हेलो गाइस, फिल्मी फ्राइडे पर आपका एक बार फिर से वेलकम है। दोस्तों, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अभी तक ऐसी कई फिल्में बनी हैं जिनमें अक्सर लीड हीरो का रोल करने वाले एक्टर्स ने नेगेटिव रोल प्ले किए हैं। इनमें से कई एक्टर्स तो अपने इन्हीं रोल से लाइमलाइट में आए और कई बार तो दूसरे लीड एक्टर पर भी भारी पड़े थे। आज की इस वीडियो में हम बॉलीवुड के उन्हीं टॉप 10 एक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो वैसे तो लीड हीरो के रोल्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इन्होंने बड़े पर्दे पर कई बार नेगेटिव रोल प्ले करने के बाद ऑडियंस को सरप्राइज किया था। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं अक्षय कुमार के बारे में, जिन्होंने अभी तक अपने करियर में कई नेगेटिव किरदार निभाए हैं और लगभग सभी किरदारों में उन्होंने अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। अक्षय कुमार बॉलीवुड के सबसे सुलझे हुए कलाकारों में से एक हैं। उनके पास हमेशा ही एक के बाद एक फिल्म होती है, यहाँ तक कि वे उन दो में से एक बॉलीवुड स्टार हैं जिन्होंने फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले एक्टर्स की लिस्ट में जगह बनाई थी। इनके नेगेटिव रोल्स के बारे में बात करें तो अक्षय को विलन के रोल में पहली बार 1997 में रिलीज हुई फिल्म अफलातून में देखा गया था। इस फिल्म में ये डबल रोल में नजर आए थे। इसके बाद इन्हें खिलाड़ी 420, अजनबी, ब्लू, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा और तमिल फिल्म 2.0 में विलन के रोल में देखा जा चुका है। साथ ही हालिया रिलीज बच्चन पांडे में अक्षय कुमार को एक गैंगस्टर के किरदार में देखा गया था। इनमें से फिल्म अजनबी के लिए अक्षय को फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट विलन का अवार्ड भी दिया गया था। गाइस, कमेंट में बताइए इनमें से किस फिल्म में अक्षय की परफॉर्मेंस आपको सबसे ज्यादा पसंद आई थी। दोस्तों, अब बात करेंगे शाहरुख खान के बारे में, जिन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में बतौर एक्टर काम किया है। शाहरुख अक्सर अपने पॉजिटिव रोल्स के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन शाहरुख ने अपने करियर में कुछ ऐसी फिल्मों में भी काम किया है जिनमें वो जबरदस्त खलनायक की भूमिका में भी नजर आए हैं। इन चुनिंदा फिल्मों में उन्होंने नेगेटिव रोल में भी लीड पॉजिटिव रोल के एक्टर से ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी हैं। इनमें से डर, अंजाम, डुप्लीकेट और डॉन जैसी कई फिल्में शामिल हैं। वैसे तो इन सभी फिल्मों में शाहरुख ने जबरदस्त एक्टिंग की थी, लेकिन फिल्म अंजाम के लिए उन्हें फिल्म फेयर की तरफ से नेगेटिव रोल के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। दोस्तों, आपको नेगेटिव रोल में शाहरुख की कौन सी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा पसंद आई, उस बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। गाइस, लिस्ट में अगला नाम आता है संजय दत्त का, जिन्हें विलन के रोल में फैंस ने खूब पसंद किया है। अगर इनके नेगेटिव रोल्स के बारे में बात करें तो इन्हें 1993 में रिलीज हुई फिल्म खलनायक में नेगेटिव किरदार में देखा गया था। फिल्म में इन्होंने बल्लू का किरदार निभाया था जो उस टाइम पर काफ़ी पॉपुलर हुआ था। इसके बाद ये 1999 में रिलीज हुई फिल्म वास्तव में रघुभाई नाम से एक गैंगस्टर की भूमिका में नजर आए थे। फिल्म ऑडियंस को बेहद पसंद आई थी और ये संजय दत्त के करियर की बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक रही, बल्कि इसके लिए संजय दत्त को फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी दिया गया था। इसके अलावा संजय दत्त को मुसाफिर, अग्निपथ और पानीपत में भी नेगेटिव किरदार में देखा जा चुका है। इन सब के अलावा हाल ही में रिलीज हुई कन्नड़ा सुपरस्टार यश की फिल्म KGF चैप्टर 2 में भी संजय दत्त ने अधीरा नाम से एक खतरनाक विलेन की भूमिका निभाई है जो ऑडियंस को खूब पसंद आ रही है। साथ ही बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म कई सारे रिकॉर्ड्स बना चुकी है। दोस्तों, इनमें से आपको संजय दत्त का कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद आया, आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे बॉलीवुड के सिंघम कहे जाने वाले अजय देवगन के बारे में। इन्होंने भी अपने करियर में कई नेगेटिव किरदार निभाए हैं। शुरुआत में इन्हें फिल्म हिंदुस्तान की कसम में देखा गया था। दरअसल इस फिल्म में ये डबल रोल में नजर आए थे, जिसमें से एक में इन्होंने टेररिस्ट का रोल प्ले किया था जबकि दूसरे में ये लीड हीरो नजर आए थे। इसके बाद इन्हें दीवानगी और खाकी में भी विलेन के रोल में देखा जा चुका है। इनमें से दीवानगी फिल्म में इनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए अजय देवगन को फिल्मफेयर अवार्ड, स्टार स्क्रीन अवार्ड और जी सिने अवार्ड की तरफ से बेस्ट विलन का अवार्ड भी दिया गया था। इन सब के अलावा अजय देवगन वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन सुल्तान मिर्जा के किरदार में भी नजर आ चुके हैं और ये करेक्टर भी ऑडियंस को काफी पसंद आया था। गाइस, इनमें से आपका फेवरेट करेक्टर कौन सा है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लिस्ट में अब नाम आता है बॉलीवुड के एक और सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती साहब का, जो अपने करियर में कई बड़ी फिल्में कर चुके हैं और मैक्सिमम फिल्मों में इन्हें लीड हीरो के तौर पर ही देखा गया है। अगर इनके विलन वाले रोल्स की बात करें तो इनमें दो फिल्मों का नाम सबसे ऊपर है। एक 1995 में रिलीज हुई फिल्म जल्लाद थी जिसमें इन्होंने डबल रोल प्ले किया था।
इस फिल्म में इनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए फिल्म फेयर और स्क्रीन अवार्ड की तरफ से बेस्ट विलन का अवार्ड भी मिला था। इन सब के अलावा 2012 में रिलीज हुई फिल्म ओ माई गॉड में भी इन्हें विलन के रोल में देखा गया था और इस करेक्टर को भी काफ़ी तारीफ मिली थी। कमेंट में बताइए इनमें से किस फिल्म में मिथुन सर की परफॉर्मेंस आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई है। दोस्तों इस लिस्ट में एक नाम सैफ अली खान का भी है जिन्होंने नेगेटिव रोल्स काफ़ी कम किए हैं लेकिन इन चुनिंदा नेगेटिव रोल से ही इन्होंने खूब तारीफ लूटी है। अक्सर फिल्मों में लीड रोल में नजर आने वाले सैफ को साल 2006 में रिलीज हुई अजय देवगन स्टारर ओमकारा में विलन के रोल में देखा गया था। इस फिल्म में इनके द्वारा निभाया गया लंगड़ा त्यागी वाला किरदार ऑडियंस को खूब पसंद आया था और इसके लिए उन्हें फिल्मफेयर की तरफ से बेस्ट विलन का अवार्ड भी दिया गया था। इसके अलावा 2020 में रिलीज हुई अजय देवगन की ही फिल्म तानाजी में भी सैफ को नेगेटिव रोल में देखा गया था। इस फिल्म में सैफ ने उदयभान सिंह राठौर नाम से एक किरदार निभाया था और अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए फिल्मफेयर की तरफ से बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जीतने में कामयाब रहे थे। गैस आपको नेगेटिव रोल में सैफ अली खान की कौन सी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा पसंद आई आप कमेंट कर सकते हैं। गैस लिस्ट में अगला नाम है बॉलीवुड के शहंशाह और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब का जो पिछले 5 दशकों से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। बिग बी अपने करियर में केवल पॉजिटिव रोल से ही नहीं बल्कि नेगेटिव किरदार से भी सभी का दिल जीतने में कामयाब रहे हैं। सबसे पहले इन्हें 1971 में रिलीज हुई फिल्म परवाना में नेगेटिव किरदार में देखा गया था। इसके बाद ये फरार, डॉन, आंखें और राम गोपाल वर्मा की आग में नेगेटिव रोल में नजर आ चुके हैं। दोस्तों इनमें से फिल्म डॉन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रही थी जिसमें इन्होंने डबल रोल प्ले किया था और अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के चलते इन्हें उस साल फिल्मफेयर की तरफ से बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। कमेंट में बताइए कि इनमें से आपका फेवरेट रोल कौन सा रहा। दोस्तों अब बात करेंगे बॉलीवुड के एक और टैलेंटेड एक्टर्स में से एक अक्षय खन्ना के बारे में जिन्होंने अपने करियर में कई लीड हीरो वाली फिल्में की लेकिन इन्हें ज्यादा कामयाबी नहीं मिल पाई। इसी दौरान इन्होंने कई फिल्मों में नेगेटिव किरदार भी निभाए थे जिन्हें ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रिस्पांस मिला था। बात करें इनके नेगेटिव किरदारों की तो इन्हें 2002 में रिलीज हुई फिल्म हमराज में विलन के रोल में सबसे पहले देखा गया था। इस फिल्म में अक्षय के अलावा बॉबी देओल और अमीषा पटेल भी नजर आए थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही थी और अक्षय खन्ना को उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए आईफा अवार्ड्स की तरफ से बेस्ट विलन का अवार्ड भी दिया गया था। इसके बाद अक्षय को रेस और डिशू में भी नेगेटिव किरदारों में देखा जा चुका है बल्कि फिल्म रेस के लिए भी अक्षय को स्क्रीन अवार्ड्स की तरफ से बेस्ट विलन का अवार्ड मिला था। विलन के तौर पर अक्षय खन्ना की कौन सी परफॉर्मेंस आपको सबसे ज्यादा पसंद आई कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। गैज लिस्ट में अगला नाम है बॉलीवुड के एक और बेहतरीन एक्टर सुनील शेट्टी साहब का जिन्होंने बतौर लीड एक्टर कई सारी फिल्मों में काम किया है। लीड हीरो के अलावा कई फिल्मों में इन्हें विलन बनते भी देखा जा चुका है और ऑडियंस को इनकी लगभग सभी परफॉर्मेंस खूब पसंद आई है। दोस्तों 2000 में फिल्म धड़कन रिलीज हुई थी जिसमें लीड रोल में अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी नजर आए थे जबकि सुनील शेट्टी को नेगेटिव रोल में देखा गया था। फिल्म में सुनील शेट्टी की परफॉर्मेंस फैंस को खूब पसंद आई थी बल्कि इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर और स्क्रीन अवार्ड्स की तरफ से नेगेटिव रोल के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी दिया गया था। दोस्तों सिर्फ धड़कन ही नहीं बल्कि सुनील शेट्टी को बाज, रुद्राक्ष, मेहूना और तमिल फिल्म दरबार में भी नेगेटिव किरदारों में देखा जा चुका है। लगभग सभी किरदारों में इन्होंने अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। इनमें से आपका फेवरेट करेक्टर कौन सा है आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों लिस्ट में 10वां और आखिरी नाम है टैलेंटेड और हैंडसम एक्टर जॉन अब्राहम का जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। लीड हीरो के साथ साथ ये कई फिल्मों में विलेन भी बने हैं। इनके विलेन वाले रोल्स की बात करें तो इन्हें पहली बार 2004 में रिलीज हुई फिल्म धूम में नेगेटिव किरदार में देखा गया था। इस फिल्म में इनकी परफॉर्मेंस ऑडियंस को बेहद पसंद आई थी। फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही थी और जॉन अब्राहम को उस साल जी सिने अवार्ड्स की तरफ से बेस्ट विलन का अवार्ड भी दिया गया था। इसके बाद जॉन को रेस 2 में भी बतौर विलन देखा गया था जबकि इस फिल्म में लीड रोल में सैफ अली खान थे लेकिन जॉन की परफॉर्मेंस भी ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई थी। इन सब के अलावा शूट आउट एट वडाला और मुंबई सागा में भी जॉन ने अंडरवर्ल्ड डॉन का रोल प्ले किया था। दोस्तों नेगेटिव रोल में आपका फेवरेट करेक्टर कौन सा है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो फिल्मी फ्राइडे को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।